मैं अब आवाज़ देना चाहता हूँ इरफानुद्दीन इरफान साहब को, जो आगाज में नाते पाक उन्होंने पेश किया था, उनसे गुजारिश है गजल पेश करें जनाब इरफानुद्दीन इरफान, जो धरसीमा से तशरीफ लाए। न जी पा रहे हैं, न जी ही पा रहे हैं, न मरे पा रहे हैं, न जी पा रहे हैं, न जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं, बस अपने किए पर ही पछता रहे हैं, बस अपने किए पर ही पछता रहे हैं, न जी पा रहे हैं। मैं ये सुन के ही ठीक होने लगा हूं, मैं ये सुन के ही ठीक होने लगा हूं कि मेरी आयादत को वो आ रहे हैं, कि मेरी आयादत को वो आ रहे हैं, न जी पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जो हजरात बैठे हैं खुदा बेहतर जानता है कि वो भाई से तस्कीन बैठे हैं या भाई से मजबूरी, बहरहाल का शुक्रगुजार हूं मैं। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे समाप्त फरमाए। न शायरी ना किसी दास्ता से आता है, न शायरी ना किसी दास्ता से आता है, करार दिल को फकत उसकी हाथ से आता है। न शायरी ना किसी दास्ता से आता है, करार दिल को फकत उसकी हाथ से आता है। मेरे बदन में ना दरिया है ना कुआं है कहीं, तो फिर ये आंख में पानी कहाँ से आता है। मेरे बदन में ना दरिया है ना कुआं है कहीं, तो फिर ये आंख में पानी कहाँ से आता है। बुराई और भलाई का सबक पहचान लेते हैं, बुराई और भलाई का सबक पहचान लेते हैं कि हम कमजोर लोगों का कहाँ एहसान लेते हैं। बुराई और भलाई का सबक पहचान लेते हैं कि हम कमजोर लोगों का कहाँ एहसान लेते हैं। मेरे भारत के रहने वाले इतने सीधे साधे हैं, सियासत झूठ भी कहती है तो सच मान लेते हैं। और जो अहले हक हैं इमा की कमाई ढूंढ लेते हैं, जो अहले हक हैं इमा की कमाई ढूंढ लेते हैं, खुदा का फजल जब हो तो खुदाई ढूंढ लेते हैं। जो अहले हक हैं इमा की कमाई ढूंढ लेते हैं, खुदा का फजल जब हो तो खुदाई ढूंढ लेते हैं। तुम्हारी जात में कितनी भी हो अच्छाइयाँ, लेकिन बुराई ढूंढने वाले बुराई ढूंढ लेते हैं। तुम्हारी जात में कितनी भी हो अच्छाइयाँ, लेकिन बुराइयाँ ढूंढने वाले बुराई ढूंढ लेते हैं। और मुझे बेटी समझते हो, मुझे माई समझते हो, मुझे बेटी समझते हो, मुझे माई समझते हो, तो क्यों मेरी ही पैदाइश को रुसवाई समझते हो। मुझे बेटी समझते हो, मुझे माई समझते हो, तो क्यों मेरी ही पैदाइश को रुसवाई समझते हो। मियाँ ये मैल है हाथों का, पल में छूट जाएगा। मुझे बेटी समझते हो, मुझे माई समझते हो, तो क्यों मेरी ही पैदाइश को रुसवाई समझते हो। मियाँ ये मैल है हाथों का, पल में छूट जाएगा, हो कैसे मूर्ख जो दौलत को स्थाई समझते हो। और आखिर में चार मिसरे पढ़ के मैं इजाजत चाहता हूँ। कमर साहिबा को ये मिसरे नजर करता हूँ कि रास्ते पे ही मर गया होता, रास्ते पे ही मर गया होता, रास्ते पे ही मर गया होता, गर मैं तूफान से डर गया होता, गर मैं तूफान से डर गया होता। और कमर साहिब का शेर नजर समाज फरमाए। गर मैं तूफान से डर गया होता, चांद पर चार चांद लग जाते, चांद पर चार चांद लग जाते, तू आ गए चांद पर गया होता। बहुत शुक्रिया।